कैमरे से बचना बहुत मुश्किल है भाई साहब, थोड़ा देख के रहना। घर पे अगर आपके ऊपर कोई प्रैंक हो गया तो मिस्ट्री कैमरे में जरूर पकड़ा जाएगा। मिस्ट्री का कैमरा। अलास्का में ठंड का समय चल रहा था और एक लड़की ने अपने डॉगी को टी शर्ट पहना दी और फिर ऑफिस के लिए निकल गई। तभी उसके पीछे से एक आदमी उसके डॉगी को प्यार करने लगा। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि वो आदमी सच में उसके डॉगी को प्यार कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद समझ आया कि वो डॉगी को इसलिए प्यार कर रहा था ताकि वो उसकी टी शर्ट चुरा सके। उस आदमी ने उस डॉगी की टी शर्ट चुरा ली और फिर उस बेचारे डॉगी को ठंड में बिना कपड़ों के छोड़ दिया। लेकिन उस लड़की के पड़ोसी इतने अच्छे कि जब उन्होंने देखा कि वो बेचारा डॉगी ठंड में बिना कपड़ों के कांप रहा है, तभी वो उसके पास भाग के आए और अपना स्वेटर पहना दिया। ऐसे लोगों को देख के हम डॉगी लोगों को इंसानियत पे फिर से विश्वास हो जाता है। थैंक यू स्वेटर वाली आंटी। चेन्नई में एक बच्चा अपना होमवर्क करना भूल गया था और फिर उसे सुबह सुबह याद आया कि शिट, मुझे तो आज होमवर्क करके लेके जाना था स्कूल। उसने अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा कि वो रास्ते में अपना होमवर्क निपटा लेगा। वो बैठा अपनी मम्मी की स्कूटी के पीछे और फिर होमवर्क निपटाना शुरू हो गया। मैंने जैसे ही ये वीडियो अपने कैमरे में देखी मैं तो डर गई। ये बच्चा कितने अनसेफ तरीके से बिना सपोर्ट के पीछे बैठा हुआ था और ऊपर से उसकी मम्मी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था और फिर भी वो दो बच्चों को लेके जा रही थी अपने स्कूटी पे। ऐसा सर्कस चलाने की क्या जरूरत पड़ गई आंटी जी? किसी भी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी अपनी जिंदगी नहीं होती। प्लीज फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड बी सेफ। कोलंबिया में एक इंस्टाग्राम वाली मॉडल चिड़ियाघर चली गई। वहाँ जाके उसने बहुत सारे जानवर देखे पर सारे जानवरों में से उसे एक हाथी पसंद आ गया और फिर उसने सोचा कि क्यों ना इस हाथी के साथ एक टिकटॉक वीडियो बनाई जाए। उसने ये नहीं सोचा कि उस हाथी का मूड कैसा होगा और वो हाथी के सामने नाचने लग गई। अब इस हाथी का मूड इतना अच्छा नहीं था और उसने अपनी सूंड से उस लड़की को साइड कर दिया, पर ये लड़की तो बहुत जिद्दी निकली और वो फिर से नाचने लग गई हाथी के सामने। हाथी भाई साहब फिर से इरिटेट हो गए और उसने इस बार और गुस्से से लड़की को साइड कर दिया। इस बार लड़की समझ गई और वो फिर से पंगे लेने नहीं गई। मैडम शुक्र मनाओ कि आप थोड़े से ब्यूटीफुल हो, इसलिए हाथी भाई साहब थोड़े फिसल गए और ज्यादा गुस्सा नहीं किया। आपकी जगह अगर मलिंगा होता तो अब तक वो चांद पे होता। चलो अब मैं जाके अपने कैमरे की बैटरी को चार्ज कर लेती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्दी। बाय बाय।